जय भीम साथियों, हाल ही में एक ऐसी खबर आई है दलित समाज से जुड़ी जो कि कहीं ना कहीं शोरगुल में अदृश्य हो गई है। मोदी सरकार ने एक योजना को बंद कर दिया है जिसके चलते 60 लाख दलित छात्र, 60 लाख 11वीं और 12वीं कक्षा के दलित छात्रों को स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, वह आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये षड्यंत्र ऐसा है कि उनका भविष्य अधर में रह जाएगा, उनका ही नहीं आने वाली पीढ़ियों का भी। इस योजना के खिलाफ दिग्गज नेताओं में राहुल गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद है जिन्होंने इसकी आलोचना की है। मुझे ये खबर पढ़ के, यानी हम सबको भी अगर ये खबर पढ़ के, एक ऐसी पंक्तियाँ याद आती है महात्मा फुले की जिसमें गुलामगिरी किताब में उन्होंने बताया कि कैसे विद्या ना होने के कारण गुलाम बने, शूद्र गुलाम बने। और ये पंक्तियाँ मैं आपके साथ ज़रूर सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गई, वित्त बिना शूद्र चरमराए, इतना सारा अनर्थ एक अविद्या से हुआ। ये आज की ब्राह्मणवादी सरकारों का भी ये षड्यंत्र है कि ऐसी योजनाएं बंद करी जाएं कि ताकि ये सिलसिला अविद्या का चलता रहे, जिसके बारे में ज्योतिबा फुले ने बात की थी। विद्या से वंचित किया जाए शूद्रों को, दलित समाज के लोग हों, चाहे वह बहुजन समाज के बाकी हिस्से से लोग हों, उनको विद्या से वंचित करने के लिए ऐसी षड्यंत्र चल रही हैं। और ये चाल आप देखेंगे तो सरकारें बहुत पेचीदा तरीके से ऐसी नीतियां बदल देती हैं। ये नीति भी एक वैसी है जैसे हमने SC ST एक्ट में देखा था, चाहे हम आरक्षण के चलते ऐसी नीतियां देखते हैं, इस नीति को भी बहुत पेचीदा तरीके ने मोदी सरकार ने इसको ऐसे बदला है कि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, इस पर इतनी बात भी नहीं हो पा रही है। पर आप घबराइए मत, हम आपके लिए सरल तरीके से विश्लेषण लाए हैं ताकि आप समझ पाए कि कैसे सरकार नीति बदली और आगे अब क्या हो सकता है। तो देखिए ये विस्तार से हमारा विश्लेषण। 11वीं और 12वीं कक्षा के दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम में केंद्र सरकार ने 2017 से ही फंड देना बंद कर रखा है। इसी वजह से देश के 14 राज्यों ने ये स्कीम बंद कर दी है। खबरों के मुताबिक इस मुद्दे का संज्ञान प्रधानमंत्री कार्यालय तक है और इसकी चर्चा प्रधानमंत्री के साथ बैठकों में भी हो चुकी है। आपको बता दें कि आमतौर पर केंद्रीय सरकार की हर योजना में 60% वो खुद खर्चा करती है और 40% राज्य सरकारें फंड देती हैं। पर शेड्यूल कास्ट की 11वीं और 12वीं के बच्चों की इस स्कॉलरशिप योजना में ये एक ऐसी लौती योजना है जिसमें 2017 में मोदी सरकार ने अपना हिस्सा 60% से घटाकर केवल 10% कर दिया। इससे राज्य सरकारों पर दबाव पड़ा और उन्हें 90% खर्चा करना पड़ा इस स्कीम में, जिसे वह नहीं कर पाए, और इसके चलते मोदी सरकार ने अपना 10% भी देना बंद कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ऐसे बड़े राज्य हैं जिन्होंने ये मुद्दा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समक्ष उठाया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी वित्त मंत्रालय से गुजारिश करी है कि इस योजना को पहले की तरह 60-40 केंद्र राज्य के हिस्से के पैटर्न पर लाया जा सके, परंतु फिलहाल इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। आपको बता दें इस योजना के चलते हर दलित छात्र को 18,000 प्रतिवर्ष की राशि दी जाती है अपनी 11वीं और 12वीं की शिक्षा खत्म करने के लिए। इन खबरों पर एतराज जताते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा RSS की दृष्टि में आदिवासियों और दलितों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। SC ST छात्रों के लिए स्कॉलरशिप रोकना उनका एक तरीका है अपनी इस मंजिल तक पहुंचने का। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय मदद बंद होने के कारण SC समाज के 60 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। यह BJP RSS द्वारा दलितों को शिक्षा से दूर करने, उन्हें फिर से गुलाम बनाने की साजिश है। सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली सरकार को दलितों से इतनी नफरत क्यों है?
कितने पेचीदा तरीके से 3 साल से ये सरकार ने बंद कर दी है स्कीम। ऐसा नहीं है ये आज हुई, ये तो अब खबर आई, किसी पत्रकार ने कर दी ये खबर जो देखता है उस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एनवायरमेंट को। पर 3 साल से इस स्कॉलरशिप स्कीम को ख़त्म करने में लगी हुई है मोदी सरकार। तो ये एक पैटर्न है मोदी सरकार का, जो हमने SC ST एक्ट हो, चाहे वह विश्वविद्यालयों में टीचर शिक्षकों के लिए जो आरक्षण है उसमें भी ये देखा है कैसे पेचीदा तरीके से होता है कि सालों साल ऐसे नीतियां बदल दी जाती हैं और बाद में समाज को पता लगता है, लोगों को पता लगता है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे, खासकर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कार्यालय जो है वह इस पर स्पष्टीकरण दे कि उन तक बात पहुंची है तो इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। और हमें इस मुद्दे को ज़ोर से उठाना है क्योंकि जो स्कूली शिक्षा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बाबा साहब ने कहा था एडुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज, तो एडुकेट जो है वो स्कूली शिक्षा से ही शुरू होता है और ये बहुत ज़रूरी है इस मुद्दे को उठाया जाए, नहीं तो 60 लाख क्या आगे आने वाले पुश्ते जो हैं उनको भी मुश्किल होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हाँ, बड़े बड़े नेता इस मुद्दे को भी उठाएंगे साथ में। तो आप भी इस मुद्दे की अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर ताकि आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप विशूद्र को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, पर अगर आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हैं तो वहां भी हमें फॉलो कीजिए, हम वहां भी लगातार अपडेट करते रहते हैं हर मुद्दे के बारे में। जय भीम साथियों।